मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित मध्यप्रदेश की 4 विभूतियों को दी बधाई। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित मध्यप्रदेश की 4 विभूतियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भगवती लाल राजपुरोहित, ओम प्रकाश शर्मा, सत्येंद्र सिंह लोहिया और कालूराम बामनिया ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इन सभी चयनित विभूतियों की उपलब्धियों पर मध्यप्रदेश वासियों को गर्व है। उल्लेखनीय है कि भगवती लाल राजपुरोहित उज्जैन को मालवी संस्कृति और साहित्य पर पुस्तकों, विशेष रूप से नाटकों के लेखन के लिए, ओम प्रकाश शर्मा को पारंपरिक माच गायन शैली को रंगमंच से जोड़कर शानदार प्रस्तुतियों के लिए, कालूराम बामनिया को कबीर गायन के क्षेत्र में एवं दिव्यांग प्रतिभा सत्येंद्र सिंह लोहिया को तैराकी के क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन के लिए पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है। ओम प्रकाश शर्मा और भगवती लाल राजपुरोहित उज्जैन, कालूराम बामनिया देवास और सत्येंद्र लोहिया भिंड जिले से हैं। मेरे प्रिय मध्य प्रदेश वासियों, भारतीय गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज ये अमृत काल का पुण्य प्रताप है, बाबा महाकाल की कृपा है। स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव के अवसर पर अभूतपूर्व आयोजन के बाद गणतंत्र भारत के अमृत महोत्सव का यह शुभागमन है। देश के जनगण में देशभक्ति के अपार उत्साह, उमंग का महासागर हिलोरे ले रहा है। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में शामिल होकर के मैं अत्यंत गर्व और गौरव का एहसास मेरे मन में भी है और आप सबके मन में भी होगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं यहाँ झंडा वंदन कर रहा हूँ। इसी समय हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल भोपाल में प्रदेश की राजधानी से गणतंत्र दिवस की इस परेड में शामिल हो रहे हैं। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है। जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते हुए देशभक्ति के तराने हम सबके लिए देशभक्ति का एक नया ज्वार पैदा कर रहे हैं। आनंद और उत्साह के वातावरण में हम डूबे हैं। इस पावन अवसर पर मैं भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।